Hi guys, I hope आप सभी अच्छे हो. I'm starting this vlog as usual by sitting in front of my window. मैं बस ऐसे ही ये vlog start कर रही हूँ because आज मैं आपको एक बहुत ही important चीज बताना चाहती हूँ. Look at my skin today. एंड पिछले व्लॉग में जाके देख लो हाउ वाज माय स्किन लुकिंग. ये सिर्फ एक चीज एक बार करने से ही हुआ है. सो आई शेयर्ड ऑन माय स्टोरी आल्सो अबाउट दैट थिंग. मैं आपको बताऊंगी जरूर, लेकिन मुझे पहले खाना बनाना है और खाना है. आज का मौसम बहुत ज्यादा ग्लूमी है. धूप नहीं है लेकिन गर्मी भी है. वेरी बैड मौसम टुडे. जब मुझे अपना बहुत ज्यादा क्लोजअप लेना होता है ना, तो मैं सिनेमैटिक में शूट करती हूँ क्योंकि उसमें स्किन थोड़ी सी बेटर हो जाती है. बिकॉज ऐसे वीडियो का कैमरा जो है ना, वो बहुत ही अजीब सी दिखाता है हमेशा स्किन. बट टुडे और मैंने रील भी बनानी है. सो बाय. एक्चुअली पीले चावल नहीं आए, ये खिचड़ी है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मैंने इसमें दाल डाली है, पीली दाल. और ये है कुछ सैलेड और मैं थोड़ा सा घी भी लूंगी. लंच करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अभी तो मैं लगी सोने. और आधा घंटा सोएंगे, उसके बाद करते हैं काम. मैं जो सोई हूँ ना, मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आधे घंटे के लिए सो जाती हूँ और फिर उठ के मैं क्या करूँगी, वीडियो बनाऊंगी. और मैं उठी हूँ 9:30 बजे. मैंने सोचा ये क्या अलार्म भी रखा था मैंने, पता नहीं कब मैंने बंद किया. और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब सो ही जाती हूँ, अब क्या करना है. फिर मुझे थोड़ी नींद कम ही आई, फिर मैं काफी लेट सोई. और उसके बाद आज मैं उठी हूँ कोई 10 बजे. मुझे समझ नहीं आ रही कि आज ये क्या हो गया मेरे साथ, इतना ज्यादा सो लिया है मैंने. और फिर यहाँ माथे पे ना थोड़ी सी एक दवाई की वजह से एलर्जी भी निकल गई थी रात को, तो मैंने फिर अच्छे से एक एंटी एलर्जिक भी खाई थी और दवाई लगाई भी थी. और अभी थोड़ा सा ऐसे फील हो रहा है मुझे, जिस दवाई की वजह से मुझे एलर्जी हुई थी. वो एक्चुअली ना सिर पे लगाने वाली दवाई है, वो एक्चुअली थोड़ी सी ऐसे माथे पे लग गई थी गलती से नहीं लगी थी माथे पे. मैंने सोचा उसमें सैलेसिल लेके एसिड है, वाह. मैंने ना थोड़ा ऐसे ऐसे गले में ऐसे ऐसे उसको टैप किया और ऐसे 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 कर दी. बिल्कुल जरा सा मतलब जितने मेरे हाथ पे ऐसे ऐसे करके लगी हुई थी. उससे क्या पता वो बड़ा सा असर हो जाए. 5 मिनट नहीं हुए और मुझे ऐसे मतलब यहाँ से हीट निकालने शुरू हो गई. अभी मैं जाकर लेट गई, हीट निकालने शुरू हो गई. ठीक है, मैं गई बाथरूम में, मैंने ऐसे ऐसे इसको धोया और मैंने देखा ये पूरी जगह रेड हो गई है, ये वाली जगह रेड हो गई. फिर मैंने इसको भी वॉश किया अच्छे से, इसको भी वॉश किया. और उसके बाद एंटी एलर्जिक भी खा ली कि मतलब क्या है ये, क्या रिएक्शन हो गया. यार ये वीडियो नहीं डाली मैंने अभी तक, यार तब तक ये व्लॉग आएगा तब तक डाल दी होगी. हाय गाइस, आई होप आप सभी अच्छे हो. आज हो रही है जमकर सफाई. पूरी वैनिटी, ज्वेलरी, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ मैं वापस से संभाल रही हूँ, बिकॉज डी क्लटरिंग इज मस्ट. ये इतना बड़ा डब्बा जो है ना, ये उधर साइड में पड़ा हुआ था और इसमें जो गंध था, जो मैं चीजें यूज नहीं कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे एज अ डस्टबिन इसको यूज कर रही थी. अब इसको मैंने साफ किया है. आई यूज दिस बॉक्स बिकॉज मेरे को स्टोरेज की बहुत ज्यादा कमी लग रही है. और एंड यहाँ पे कोई आने वाला है और वो है वसु आ रही है, क्योंकि उसका एंट्रेंस एग्जाम है अभी जम्मू में. पहले वो आएगी वापस जम्मू, एंट्रेंस एग्जाम देके थोड़ी देर यहाँ रह के वापस चली जाएगी दिल्ली. एंड उसकी फरमाइश है कि राजमा चावल पनीर ये बना होना चाहिए. तो राजमा थी नहीं घर पे, तो मैंने ऑर्डर कर दिया. मैडम जी की फेवरेट फरमाइश की चीजें बनेगी आज, लेकिन वो सुबह पहुंचेगी. आज रात को वो निकलेगी और सुबह यहाँ पे पहुंचेगी, तो कल ही बनेगा सारा कुछ. रात को मैं भिगो दूंगी. एंड आज मैंने सोचा कि वो आ जाए, उसके लिए स्पेस भी रेडी करना है, उसको बैठ के पढ़ना है, तो मैं ये सारा डिक्लटर कर रही हूँ उसको पढ़ने के लिए, जगह देने के लिए. और ये सब सामान जो है ये अभी साफ हो रहा है बड़ी मुश्किल से. काफी देर से मैंने ये सामान नहीं संभाला, ये ऐसे ही पड़ा रहता है मेकअप का सामान. और मैंने कुछ स्टोरेज के बॉक्सेस भी छोटे छोटे मंगवाए हैं, क्योंकि जब मैं मेकअप यूज़ कर रही होती हूँ तब मैं इतने बड़े बड़े वैनिटीज अपने सामने नहीं खोल सकती. तो मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस मंगवाए, उनमें मैं एक में कंसीलर, एक में मैं वो ऐसे करके रखूंगी और आपको दिखाऊंगी, बिकॉज आई लव ऑर्गेनाइजेशन. जब फोन खोलती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भूल जाता है मैंने क्या खोलने के लिए फोन खोला. देखने वाली थी कि मेरा जो सामान मैंने ऑर्डर किया वो कितनी देर में आएगा, और मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ. यार मैंने क्या सोच रही थी, ये बहुत गंदी बीमारी हो गई है मुझे. मुझे सजेस्ट करो कि मैं अपना स्क्रीन टाइम कैसे कम करूं, क्योंकि मैं मोबाइल खोलती हूं कुछ काम करने के लिए और मैं आई जस्ट गेट हुक्ड टू इंस्टाग्राम रील्स एंड शॉर्ट्स, ये सो मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है. अब ये सारा सामान संभालने से पहले मैंने सोचा मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देती हूँ कि इनमें से कौन से मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं.
मतलब जो बजट फ्रेंडली भी हैं और फेवरेट। सबसे पहले अगर पाउडर्स की बात की जाए तो दीज टू आर माई फेवरेट, दोनों ही लॉरियल के हैं। एक है ट्रू मैच, एक है इनफेलेबल 24 आवर्स फ्रेश वेयर फाउंडेशन इन अ पाउडर। दीज आर हाई कवरेज, जो ये मैटिफाइंग लुक आपको देते हैं, जो ये ग्लो देते हैं, हाईलाइट देते हैं आपके फेस पे, वो और कोई पाउडर नहीं देता। हाईलाइटर हाई एंड तो मैक का अच्छा है, बट यू कैन ट्राई फॉरएवर 52। इसका पिगमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, यू कैन सी द शाइन इट गिव्स, कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत बहुत अच्छा। ब्लश की अगर बात करूँ तो दो ब्लशेज मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं इन टर्म्स ऑफ पिगमेंटेशन। एक है के ब्यूटी का ब्लश और एक है ये फॉरएवर 52 का चीक पॉप ब्लश। दीज बोथ आर सो पिगमेंटेड। मैंने बहुत बुरे बुरे ब्लशेज भी यूज किए हैं कि ब्रश उनके ऊपर रगड़ते रहो लेकिन वो बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं देते। एंड योर फेस, अगर आपके ब्लश में पिगमेंट नहीं है तो आप बहुत ज्यादा लेयरिंग करोगे उस प्रोडक्ट की और वो पिगमेंट नहीं देगा आपको, लेकिन एक ऐसे चॉक जैसी फीलिंग देगा आपको फेस, बहुत बुरा लगता है। इसलिए ऑलवेज चूज अ ब्लश जिसमें पिगमेंट बहुत हाई हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, आप बहुत कम प्रोडक्ट यूज करो। और फाउंडेशन दो मेरी फेवरेट है, एक हाई एंड हुडा मेरे को अच्छी लगती है बहुत ज्यादा यूज करने में, और एले गर्ल अगर जाएं बजट फ्रेंडली में तो एले गर्ल प्रो कवरेज मस्त है। मतलब मैंने जितनी भी आज तक यूज की है, मैंने फॉरएवर 52 भी यूज किया है और चारमेसी भी यूज किया है, फॉर्मुलेशन अच्छी है। फॉरएवर 52 की इज लाइक की एवरी वन कैन यूज इट, बट दिस वन इज माई गो टू फाउंडेशन की दिस इज ल्यूमिनस, मतलब कि क्या ग्लो देती है ये बात। व्हाट एल्स एक पैलेट जो कि मुझे कोलैबोरेशन में आया था बट आज तक मैं इसको यूज कर रही हूँ। आई थिंक मैंने इसकी 6 महीने पहले कोलैबोरेशन की थी, मुझे याद नहीं। रॉश ब्यूटी द शो स्टॉपर पैलेट, आई थिंक इनका एक ही शेड वेरिएंट है, बट भगवान की कसम करके कहती हूँ आई रियली लव जो इसके शिमर्स हैं, जो आपको अलग से शिमर्स मिलते हैं ना फॉर ब्राइडल मेकअप, ये उनको बीट करता है। कौन से शेड इसमें नहीं है, बस इसमें एक ट्रांजिशन शेड की कमी है जो मैं यहाँ से यूज कर लेती हूँ, बिकॉज लाइटर शेड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइटर शेड्स होनी चाहिए आपके पास, किसी और पैलेट से आप ले लो। दीज पिगमेंट्स, ब्लैक है इसमें द ब्लैकेस्ट ब्लैक, ब्राउन मस्त है, बाउंसी नाम है इसका, पर्पलिश क्या लुक देता है ये, बहुत ही क्यूट सा न्यूड सा ब्राउन है। इसमें से ऐसा देख के लग रहा है कुछ कलर्स हम यूज ही नहीं करेंगे, ये और ये दोनों जो कलर्स हैं, ये दोनों कलर्स अंडर आईज पे जब आप काजल ब्लेंड करते हो, ओ माय गॉड इतने अच्छे लगते हैं, ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसकी प्रमोशन कर रही हूँ, बट सीरियसली वर्थ बाय है। ये पैलेट आपके पास होना ही चाहिए। आई सजेस्ट यू, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, लिपस्टिक का ब्रांड चाहिए आपको, आप ये लव अर्थ के सेट्स जो आते हैं ना, वो 10 वाले छोटे छोटे, दीज आर मैट सुपर स्टे, पूरा दिन रहेंगी आपको, ऐसा भी नहीं लगता कि आपने कोई मैट लिपस्टिक लगाई है, चैप्ड भी नहीं लगते लिप्स, बहुत सुंदर लिप्स लगते हैं। आई हैव बीन यूजिंग इट ऑन ऑल माय ब्राइड्स एंड चुमेश्वरी परफॉर्मेंस है इसकी। के ब्यूटी के ब्लशेज है मेरे पास, इनके पिगमेंट्स इतने ज्यादा हाई नहीं है, आपको एक ऊपर पाउडर ब्लश लगाना ही पड़ेगा, बट अगर आपको चाहिए कि आपके पास एक ऐसा वो लिक्विड ब्लश हो जो बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड भी हो, स्टे भी करे, तो ये ब्लशेज हैं इट्यूड के ब्लशेज, दीज आर अमेजिंग। जो इनका स्टे है, जो इनका नेचुरल फिनिश है, ये बहुत सी शेड्स में आते हैं, आई हैव दीज थ्री। लिप पेंसिल्स की बात करूँ, अगर बहुत ज्यादा स्टे वाला चाहिए तो के ब्यूटी का ले लो आप, के ब्यूटी इज बेस्ट, स्टे रहता है उसका बहुत ज्यादा। अगर आपको स्टे का प्रॉब्लम नहीं है इतना ज्यादा, शेड्स बहुत अच्छी आती हैं, ये नायका के हैं और ये पैक के बहुत अच्छे हैं, स्टे इनका नहीं है। इसके अलावा मेरे पास कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है आपको दिखाने के लिए, इट्स टू मच, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं एक वैनिटी में तो सारे के सारे तो दिखा नहीं सकते, विल डू दैट सम। कंसीलर्स दिखा देती हूँ मैं आपको अपने डीप स्किन टोन के लिए, आई प्रेफर लॉरियल। फिर उसके बाद पैक की शेड्स, मेरे पास पैक इज रियली रियली गुड, मतलब जो फिनिश ये देता है वो और कोई कंसीलर मुझे आज तक दिया नहीं। उसके बाद आई हैव दिस, क्या बोलते थे इसको, मिलानी माई फर्स्ट कंसीलर, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये अभी खत्म होने वाला है, आई यूज इट एज आई बेस। एफ के कंसीलर्स भी ठीक है, बस इनको ये है कि जल्दी ब्लेंड करना पड़ता है वरना दे विल ड्राई आउट। ब्लेंडर्स, सबसे अच्छे ब्लेंडर्स जो आज तक मेरे पास हुए हैं, मैंने बहुत से ब्लेंडर्स खरीदे हैं, आई नो डाउट जो प्रॉश का ब्लेंडर आता है बड़ा वाला, वो मेरा फेवरेट है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर चला जाता है एंड यू कैन ब्लेंड योर फाउंडेशन विद इट। बट अगर आपको एक ऐसा ब्लेंडर चाहिए जो आपकी फाउंडेशन हो या जो भी हो उसको सैटिन फिनिश दे, तो इस तरीके के ब्लेंडर्स आते हैं, आप वो जरूर लीजिए। तो उन्हीं में मेरे पास ये है जॉनसन प्रोफेशनल का ये वाला जो सेट, ये मेरे यूज्ड ब्लेंडर्स हैं जो आजकल मैं यूज करती हूँ, इनके बीच में प्रॉश भी पड़ा है, ये प्रॉश में यूज करती हूँ, और ये वाले ये मैंने वापस रीऑर्डर किया है बिकॉज आई लव देम और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बनने ना बंद हो जाए। हाँ, बस ब्लेंडर्स का मैं बता रही थी, किसी और वीडियो में हम ब्रशेस की बात करेंगे एंड ब्रशेस के लिए जो ये मिथ है ना कि बहुत ज्यादा महंगे ब्रशेस जो है वही अच्छे होते हैं,
वो भी मैं आपको दूर कर दूँ। अभी के लिए इतना ही, मुझे सफाई करने दो और मुझे बहुत ज़्यादा काम है, बट मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ और पसीना देखो बिकॉज फैन बंद किया था मैंने आप लोगों के लिए। बाय। तो गाइज मेरा स्टोरेज का सामान आ चुका है। टोकरिया मैंने मंगवाई थी, एक बड़ी मंगवाई थी, एक छोटी मंगवाई थी, बट ये तीन उन्होंने छोटी दे दी क्योंकि उनके पास बड़ी अवेलेबल नहीं थी। ये तो मेरे पास पहले से है, ये भी मैंने सेट करके रखना है सारा कुछ। ये बास्केट्स मंगवाए हैं दो मैंने, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये भी इनफ नहीं है, मुझे और चाहिए स्टोरेज के लिए। और ये बास्केट मैंने मंगवाया है, और ये सारी चीटियां भी मंगवाई थी मैंने, वसु आके इन सबको एंजॉय करेगी, ओरियो भी है। तो अभी के लिए इतना ही, अभी मैंने जाना है सब्जी वगैरह लाना है। और ये देखो मेरा लंच तैयार हो चुका है। मैं आप सोचते होगी हमेशा पीले चावल खाती रहती है, बट आई लव खिचड़ी में दाल डाल के, ताकि प्रोटीन इनटेक भी हो जाए पूरा। मैं खिचड़ी बनाती हूँ दाल चावल अलग बनाने से अच्छा। और ये मैंने राजमा भिगो के रखी है वसु के लिए। और ये है मेरा रायता, इसमें मैंने कुकुम्बर डाला है और हरी मिर्च डाली है और पुदीना पाउडर, जो कि फ्रेश पुदीना पाउडर मम्मा ने बनाया है। नाउ आई वॉज अबाउट टू एंड दिस व्लॉग और मुझे याद आया कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है वीडियो के कि मैं एक पैक बताऊंगी आपको, और वो पैक है रॉ मिल्क। जो दूध आपने बॉयल नहीं किया होता अभी उसको रॉ मिल्क कहते हैं, कच्चा दूध कहते हैं उसको। मुझे मैंने स्टोरी डाली थी और बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे रॉ मिल्क क्या होता है, तो इसलिए मैंने सोचा बता देती हूँ। रॉ मिल्क को आपने क्या करना है, टिश्यू लेना है, आप कोई से भी टिश्यूज ले सकते हो, मैं ये वाला भी ट्राई करने वाली हूँ अभी। टिश्यू आपने लेना है, टियर इट अप, फिर उसके बाद आई डिप इट लाइक दिस। पहले बात तो आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ऐसे करके, और फिर उसको अपने फेस पे ऐसे करके रख देना। यू हैव टू डू दिस थिंग ऑल ओवर योर फेस एंड नेक, जहाँ पे भी आपको करना है। इसका फायदा ये है कि जो मिल्क है वो काफ़ी देर तक आपके फेस के ऊपर जो है वो असर करता रहता है, इट गिव्स मार्वलस ग्लो। इसके बाद मैं एक ट्रिक करती हूँ कि जब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ बिल्कुल ड्राई हो जाता है, बिल्कुल एक पील ऑफ मास्क की तरह उतर जाता है ये। जब ये ड्राई हो जाता है तो मैं काम करती हूँ, मैं फेस वॉश नहीं करती, उसी के ऊपर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर सेरामाइड्स वाला अच्छा सा भर भर के लगा देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसमें होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड टेंड्स टू पील ऑफ योर स्किन, उसका काम है एक्सफोलिएट करना। तो आप उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे जिसमें सेरामाइड हो या जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज करते हैं, तो उसको हील करने में हेल्प मिलेगा, उससे आपके फेस पे ग्लो आए। बहुत ज्यादा लंबा व्लॉग हो गया है, आई हैव एडिटेड हाफ ऑफ इट एंड अभी आई थिंक 7-8 मिनट्स का पहले ही हो गया है, तो इसलिए मैं अभी एंड कर रही हूँ ये व्लॉग। सुबह देखेंगे जब वसु आ जाएगी तो आई विल शूट अनदर व्लॉग, स्टार्ट अनदर व्लॉग मे बी। तब तक के लिए बाय, डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो, और लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, बस इतना ही कहना है मुझे। सो अप्लाई योर लैक्टिक एसिड रॉ मिल्क पैक एंड गो टू स्लीप, बाय। सो दिस इज हाउ दिस पैक लुक्स, आई डोंट वांट टू लव, इसलिए मैं दिखाने गई थी पहले, बट मैंने सोचा छोड़ो भूत ही लगूंगी ना ज्यादा, तो क्या हो जाएगा। डू ट्राई इट आउट, ओके बाय।